हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ हीरा और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एमएस वर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के कंप्लीट ऑप्शन के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके, और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ से पैराग्राफ यहाँ से मेरा हट गया है, डिलीट हो गया है। और आप यदि यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको फॉन्ट दिखने में आपको आसानी रहे। तो देखिए हम सबसे पहले कुल की लिखेंगे RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन पैराग्राफ आपके पेज के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है कट कॉपी, और आप देखेंगे जब आप क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप कट कॉपी जो आपके ऑप्शन है ये अभी इनएक्टिव है, यानी कि अभी ये काम नहीं करेंगे। जैसा आप माउस की बटन को क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन कब काम करेंगे, आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके, और देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं। कट यदि आप करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है, जो लाइन सेलेक्ट होंगी वो कट हो जाएंगी, और कट होने के बाद देखिए मैं उन्हें नीचे उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या सिंपली आप माउस की बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम मल्टीपल कॉपी इसकी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी का मीनिंग होता है वो पैराग्राफ आपका ऊपर भी रहेगा और आप चाहते हो नीचे भी आ जाए तो आप इसकी मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी भी आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस से और इस पैराग्राफ को मैं नीचे आता हूँ, और देखिए यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। पहले आपने देखा था कट से आपका पैराग्राफ वहाँ से मूव हो गया था, वो नीचे उसको मैंने पेस्ट कर दिया, परंतु कॉपी जब आप करते हैं तो वो पैराग्राफ वहीं पर रहता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे भी कॉपी हो जाती है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो यहाँ पर अगला ऑप्शन है वो है फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग बहुत ही बेहतरीन इसका उपयोग है हमारे विनवर्ड और एक्सेल के अंदर। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन टाइप किया है व्हाट इज कंप्यूटर, और इसके मैं यहाँ पे जैसे आंसर लिखा हुआ है इसके नीचे ही मैं यहाँ पर रैंड फार्मूला यूज करूँगा, इसके अंदर एक टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक उसका आंसर टाइप हो गया है। और देखिए हमने क्या करा, जो हमारा हेडिंग है क्वेश्चन जो हमने बनाया है व्हाट इज कंप्यूटर का, हम क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इससे मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने बोल्ड किया है और मैंने अगला क्वेश्चन फिर से नीचे टाइप किया व्हाट इज CPU, व्हाट इज CPU हमने टाइप किया। हम चाहते हैं जो हमने फॉर्मेटिंग ऊपर अप्लाई की अपने पिछले क्वेश्चन पर वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर करना चाहते हैं। यदि हम इस पर वो फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पर जाएंगे। तो इससे सिंपल जो मेथड है जो फॉर्मेटिंग को आपकी कॉपी कर लेता है उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग आपको नीचे वाले पैराग्राफ पर चाहिए तो पहले आप उस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेंगे जो फॉर्मेटिंग आपको लेनी है, जो सेलेक्ट करनी है अपने फॉन्ट के अंदर से। तो यहाँ पर हमें ये ब्लैक, जो यहाँ पर ब्लैक में जो बोल्ड वर्ड है हमें ये गहरे अक्षर की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्सर को, यहाँ पर देखिए फॉन्ट प्रिंटर में क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ था, जो अगला जो क्वेश्चन था, अगली जो लाइन थी, वो ऑटोमेटिकली उसी ही साइज की उसी प्रकार से बोल्ड हो जाती है जो कि आपके ऊपर था। तो देखिए मैं दोबारा आपको फॉर्मेट प्रिंटर का फिर से उपयोग दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको यहाँ से हम फॉन्ट के अंदर आके इसको मैंने कलर दे दिया है रेड। अब हम चाहते हैं कि रेड कलर हम नीचे भी दे पाएँ, तो देखिए सबसे पहले आप इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दें किसी भी वर्ड पे, और फॉन्ट प्रिंटर को आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आप जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप उस लाइन को रेड कलर की कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है वो किसी टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है आपके टेक्स्ट
उसकी फॉर्मेटिंग को वो कॉपी कर लेता है, और जहाँ पर आप उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप उसको अन्य जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आप उसे मल्टीपल टाइम फॉर्मेटिंग कर सकें तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने से क्या होगा, आप माउस के बटन को जैसे डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्रश है वो एक्टिव रहेगा, आप इसको मल्टीपल जगह पर मल्टीपल पैराग्राफ या लाइनों को एक बार में फिर फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। और इसे हटाने के लिए ब्रश को हमें दोबारा से मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहां से आपका जो फॉर्मेट पेंटर है वो यहां से हट चुका है, वो यहां से चला गया है ब्रश। उसके बाद देखिए नीचे है क्लिप बोर्ड का ऑप्शन। क्लिप बोर्ड एक ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त टूल इसके अंदर हमें दिया हुआ है जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। कोई भी हेडिंग जिसको हमें बार बार एवरी डे हमें उसे लिखना होता है अपने डॉक्यूमेंट के हेडिंग में, तो उस हेडिंग को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और हमेशा जब भी उसको हमें आवश्यकता होती है तो हम क्लिपबोर्ड के माध्यम से उसको हम पेस्ट कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें क्या होता है कि हमें पर डे किसी भी स्कूल की कोई हेडिंग हम पेपर बनाते हैं तो पेपर पर हमें वो हेडिंग बार बार टाइप करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक रोल नंबर एक हेडिंग में यहाँ पे बना रहा हूँ, स्पेस दिया मोदीश दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद हम आगे टैब का प्रयोग किया और ज़्यादा स्पेस देने के लिए हम टैब प्रयोग करते हैं अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर हमने मिनिमम मार्क्स ले लिए हैं जैसे 90, फिर से मैंने एंटर की प्रयोग किया और मैं नीचे आ गया लाइन पर। यहाँ पर हमने एग्ज़ाम, ये हमने फॉर्मेट हमने बना दिया है इधर, और उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट किस विषय, ये एक हेडिंग है जो हमें बार बार क्या करनी होती थी जब मैं पेपर बनाता था तो उसको मुझे बार बार एवरी डे उसको हर पेज से नया स्टार्ट करना होता था और टाइम, तो हमारा ये फॉर्मेट बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं कॉपी करूँगा, तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसे कॉपी करते हैं तो ये आपके क्लिप बोर्ड के अंदर आके हमेशा के लिए सेव हो जाएगा आपकी फाइल के अंदर, और जब भी आपको इस हेडिंग की आवश्यकता है किसी नए पेज पर, आप नया डॉक्यूमेंट में आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, देखिए मैंने कंट्रोल एन कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास नई फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मुझे अगला पेपर यहाँ पे तैयार करना है तो मुझे उस हेडिंग को यहाँ पे टाइप करने की आवश्यकता होगी, या तो एक ये मेथड है कि उसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करें उस पेज पर जाएं जहाँ हमने टाइप की हुई है हेडिंग, या सिंपल जो दूसरा मेथड हमने अपनाया था अभी, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम क्लिप बोर्ड में जो हमने अभी कॉपी कर रखा है क्लिप बोर्ड ऑप्शन को, जैसे ही आप कॉपी करते हैं तो आप यहां से इस एरो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लिप बोर्ड एक यहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो भी चीज़ आप कॉपी करेंगे तो इधर डायलॉग बॉक्स में आके वो सेव हो जाती है, और जब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है भविष्य में कभी भी आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने देखिए विद इन सेकेंड में आपका काम यहाँ पर हो जाता है। तो हमारा जो क्लिप बोर्ड ऑप्शन है बहुत ही काम का ऑप्शन होता है और हमारे काम को बचाता है। जो भी आप कॉपी पेस्ट करके अपने क्लिप बोर्ड में सेव करना चाहते हैं, कुछ ऐसी हेडिंग जो आप प्रतिदिन अपने यूज में लाते हैं, तो आप उनको क्लिप बोर्ड के अंदर सेव कर दीजिए और भविष्य में जब भी आप इनका उपयोग करना चाहेंगे तो आप आसानी से इस पर क्लिक करने मात्र से उस हेडिंग को आप अपने पेज पर आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पेज को। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट का। तो देखिए पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आप जैसे ही पेस्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक आपको बटन यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल के साथ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो डॉट है नीचे की तरफ उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जब आप पहले ऑप्शन पर आते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इससे क्या होगा कि आपका जो सोर्स है वो एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। दूसरे पर आप आते हैं तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है, डार्क अक्षर में है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो सिंपल आपके टेक्स्ट को प्रयोग में करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इससे क्या कर सकते हैं आपका जो डेटा है वो एज टेक्स्ट के रूप में क्या यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, और सिंपल जब आप इस पर आते हैं तो आपका जो डेटा है
वो यहाँ से जो आपका डेटा है वो सिंपल टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हो जाएगा। और जो पहला जो ऑप्शन है उससे क्या होगा, आपका जो डेटा है जैसे आपने कलर के रूप में उसे लिया था वो वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको अन्य ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे जिससे आप अलग अलग मोड में अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, क्लिप बोर्ड और पेस्ट के जो अलग मेथड हमें दिए हैं वो हमने यहाँ पर सीख लिए हैं। उसके बाद देखिए फॉन्ट के जो ऑप्शन है बहुत ही काम के ऑप्शन है, विनवर्ड के अंदर बहुत ही काम आने वाले, इसका एक एक ऑप्शन बहुत ही काम का होता है। तो देखिए आइए हम अगले ऑप्शन को जानते हैं। अब मैं यहाँ पर एक नया पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, तो हम टाइप नहीं करेंगे, हम उसे इंसर्ट करा लेंगे डायरेक्ट रैंड फंक्शन का उपयोग करके। आप इक्वल लिखेंगे आर एन डी रैंड लेफ्ट ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर तीन पैराग्राफ आपके सामने आपके पेज में इंसर्ट हो जाएंगे क्योंकि रैंड जो फंक्शन है वो तीन पैराग्राफ को कॉल करा लेता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए फॉन्ट के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कैलिब्री बॉडी, जो आप यहाँ पर आप फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप है वो कैलिब्री एक प्रकार का फॉन्ट है। आप चाहते हैं इसको बदलना है तो आप देखिए सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए आपको अनेक फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। जब भी आपको इनमें से किसी भी फॉर्मेट की आवश्यकता होती है जैसे मंगल फॉन्ट है, विंगलिंग्स 2 है, टाइम न्यू रोमन स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट माना जाता है जिसमें हम अपनी बुक, असाइनमेंट, नोट तैयार करते हैं, और अन्य फॉर्मेट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने टेक्स्ट पर यहाँ से कोई भी फॉन्ट थीम आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा उसके नीचे, देखिए जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे आपको अनेक फॉर्मेट फॉन्ट थीम आपको यहाँ पे दी हुई है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखिए कि हमें यहाँ पे सेंचुरी स्कूल बुक, ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है, इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, और टाइम न्यू रोमन ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है हमारे पास थीम का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस फॉन्ट को। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो इस प्रकार से आप अपने फॉन्ट है जो टेक्स्ट है उसको आप बदल सकते हैं उसकी थीम को। अगला जो ऑप्शन है उसकी साइड में देखिए ये साइज बढ़ाने के लिए होता है, आप चाहते हैं अपने कंटेंट का साइज बढ़ाना है, जब भी आपको आवश्यकता होती है कोई हेडिंग है इम्पोर्टेंट आप उसे बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आप आसानी से अपने सेलेक्ट हुए टेक्स्ट को उसकी जो फॉन्ट साइज है आप उसे बढ़ा सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे किसी लाइन पैराग्राफ को तब तक आप होम के किसी भी ऑप्शन को उपयोग में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप किसी लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको सारे इफेक्ट उस पर दिखाई देंगे, यानी सेलेक्ट करने के बाद ये आपके इफेक्ट आपके टेक्स्ट पर आ पाएंगे। तो देखिए नीचे यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, ये हमारे पास है ग्रो फॉन्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज है आप देखेंगे यहाँ पर उसके नंबर भी आ रहा है कि इतना फॉन्ट का साइज आपका बढ़ चुका है, और इस पर कम करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करके जिस लाइन पैराग्राफ को आप फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना है तो आप उस पर डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं, और इस पर आके आप इंक्रीज फॉन्ट साइज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ नीचे बोल्ड, ऐसी कोई लाइन ऐसा कोई पैराग्राफ जो आप डार्क करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट कोई लाइन है, हेडिंग है, तो उसके लिए हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं। कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन को आप बोल्ड में उसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई हेडिंग है इम्पोर्टेंट उसको आप बोल्ड का प्रयोग करके आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। इटैलिक आप चाहते हैं कोई लाइन है पैराग्राफ है आप उसको तिरछा करना है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको आप तिरछा करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नीचे देखिए अंडरलाइन है, कोई इम्पोर्टेंट हेडिंग, कोई इम्पोर्टेंट वर्ड या कोई इम्पोर्टेंट लाइन जिसको आप पैरा अंडरलाइन देना चाहते हैं ताकि कोई इम्पोर्टेंट हेडिंग है हमारे पास, तो देखिए आप अन्य प्रकार की अंडरलाइन आपको दे रखी हैं, आप इनका उपयोग करके अपने किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल जीवन में भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, असाइनमेंट पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं पेंसिल का प्रयोग करके या पेन कलर का प्रयोग करके आप उसे नीचे से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि जब भी आप इसको रिवीजन करते हैं तो आपको मेन जो टॉपिक आपको दिखाई दे जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट लाइनों को हम अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसे स्ट्राइक करना, अब मान लीजिए मेरे पास कोई नोट्स आया है पीछे से चेक करने के लिए, मुझे उसे चेक करना है, अब उसमें कुछ वर्ड गलत हो गए तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये
यहाँ पर हमने कुछ वर्ड यहाँ पे गलत टाइप कर देता हूँ मैं, और उसको हम इसको स्ट्राइक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है और ये यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया इस पैराग्राफ के अंदर, और हमें हम चाहते हैं कि हमें ये फाइल मिली है पीछे से ईपीडीएफ, जिसे वो चेक करना है कि कौन से वर्ड गलत हैं कौन से सही हैं, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और देखिए मैं इसे स्ट्राइक कर देता हूँ। स्ट्राइक करने के बाद मैं इसे रेड जरूर रखूँगा, क्योंकि रेड से ही हम पहचान पाएंगे कि जो भी इसमें गलतियाँ हैं, ताकि सामने वाला समझ पाए कि आपने जो गलतियाँ की हैं, कौन सा वर्ड इसमें गलत आपने टाइप कर दिया है जो कि सही नहीं है। तो स्ट्राइक हमेशा कोई गलत वर्ड है, कोई गलत लाइन है, उसको आप इंडिकेट कराने के लिए स्ट्राइक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, और साथ में आप उसे रेड कलर देंगे ताकि सामने वाला उसको समझ पाए आसानी से कि आपने यहाँ पर गलती कर रखी है, ताकि वो उसे फिर से ठीक कर सके। उसके लिए हम स्ट्राइक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से फिर से क्या करता हूँ, इन पैराग्राफ में यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए हमने क्या करा, एक पैराग्राफ यहाँ पे है हमारे पास, इसको मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। कम करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने अगला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। अब मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें आपको पावर नीचे लगानी है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जैसे मुझे H2O लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम H कैपिटल लेटर में मैं O प्रेस करता हूँ। आप क्या करेंगे, माउस की बटन के द्वारा, माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके आप 2 को सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं सबस्क्रिप्ट, तो आप देखेंगे आपका जो 2 है वो नीचे बेस लाइन में आ गया है। इस प्रकार से आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं कोई इक्वेशन बनाने के लिए। मैथ में अधिकतर इन ऑप्शनों की काफ़ी हमें आवश्यकता होती है। अब आपको पावर भी चढ़ानी है, तो देखिए पावर चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसे मुझे पावर लगानी है ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इसे सिंपल मोड में आप लिख लीजिए वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है जेड स्क्वायर, तो मैं कैपिटल में से टाइप कर देता हूँ जेड को, और यहाँ पे 2, और देखिए हमें क्या करना है, 2 को उसकी पावर बनाना है। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका जो पावर है वो बन चुकी है। दोबारा से मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हमने फिर से क्लिक किया और मैंने 2 को सिलेक्ट किया माउस की लेफ्ट बटन दबाकर, और फिर से मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे आपकी जो पावर है वो ऊपर चढ़ जाएंगी, जो भी है, जो भी आप लगाना चाहते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकल यहाँ पे आसानी से तैयार कर पाएंगे। अधिकतर इन ऑप्शनों का प्रयोग मैथ की इक्वेशन बनाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो है कलर के लिए है। अगर आप चाहते हैं अपने फॉन्ट को कोई कलर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे आके इनमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, और अपने फॉन्ट पर आप देखेंगे वही इफेक्ट आपको आपके फॉन्ट पर आपको दिखाई देगा, जो कि इनमें से एक भी मेरे काम का नहीं है, तो इनका मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट। हाईलाइटर का प्रयोग बेसिक जीवन में भी हम करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको हम हाईलाइटर का प्रयोग करके उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के हमें कलर दे रखे हैं अपने पैराग्राफ लाइन को हाईलाइट करने के लिए। जो लाइन गलत है आप उसे रेड कर सकते हैं, और जो सही है उसको आप ग्रीन कलर का प्रयोग करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं हाईलाइट करने के लिए, तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके अपने डॉक्यूमेंट की, अपनी PDF की, जो कि आपकी आपने वर्ड में टाइप की है, या आपके पास कहीं से कोई EPDF आई है चेक करने के लिए, आप तो आप उसकी आसानी से डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे, आप उसे आसानी से चेक कर पाएंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट का कलर। आप चाहते हैं अपने फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको वापस अपने हाईलाइटर कलर को हटा देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए दोबारा मैं इस हाईलाइटर के साइड में जो नीचे की तरफ एक बटन है छोटा सा, उस पर आप क्लिक करेंगे, और नो कलर पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ से सारे हाईलाइटर जो कलर है वापस यहाँ से वो हट जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला है फॉन्ट का कलर। फॉन्ट कलर जो है, जैसे हमें अपने फॉन्ट को कलर अप्लाई करना है, हम चाहते हैं ब्लैक की जगह कोई और कलर आ जाए, तो देखिए आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर अनेक प्रकार के कलर आपको दिखाई देंगे जिनका आप इस पर कलर का इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर भी यहाँ पर देखिए अनेक लाइट वेरिएंटेशन
यहाँ पर देखिए डार्क वेरिएशन, अब नीचे मोर ग्रेडियंट्स भी हमें दिए हुए हैं जिनमें से मैं ग्रेडियंट फिल ऑप्शन का प्रयोग करके इसे और भी डायनेमिक अपने टेक्स्ट को सुंदर बना सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया है आपके फॉन्ट के ऊपर। तो इस प्रकार से आप कलर भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने फॉन्ट के लिए, उसे डायनेमिक बनाने के लिए, अच्छे ढंग से उसे प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर अनेक प्रकार के कलर आपको दिए हुए हैं जिनमें से आपको अच्छा लगता है। यदि आपको कलर प्रिंटिंग निकालनी है तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके तो अपने पेज को आप कलर में प्रिंट कर सकते हैं। और देखिए जब आपने देखा कि आपने एक PDF चेक की ऑनलाइन जो आपके पास आई थी और आपको लगता है कि इसमें कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, आप चाहते हैं कि वापस ये उसी फॉर्मेट में बन जाए जैसी आपने डाउनलोड की थी, तो सिंपली क्या करेंगे आप पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेंगे माउस की लेफ्ट बटन दबा के। और देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में एक अंतिम ऑप्शन दे रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी मैंने इसमें बोल्ड किया है, डेटा को अंडरलाइन किया है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट किया है, वो सारा सारा यहाँ से हट जाएगा और मेरा डॉक्यूमेंट सिंपल मोड में मेरा टेक्स्ट मुझे वापस दिखाई देने लगेगा। जब आपको लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट चेक किया है उसमें आपसे भी गलतियाँ हो गई हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके वापस जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की अपने फॉन्ट पर, आप आसानी से क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करके आप उसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों MS जो वर्ड ऑप्शन है, MS वर्ड के अंदर होम जो टैब है हमारी सबसे महत्वपूर्ण टैब है, क्योंकि स्कूलों के अंदर जो भी 80% काम किया जाता है, पेपर टाइप होते हैं, असाइनमेंट बनाए जाते हैं, नोट्स बनते हैं, वाटरमार्क लगाना, हेडर फुटर टाइप लगाना, सारा का सारा जो वर्क है वो आपका MS वर्ड के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें होम सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है सारी की सारी वो यहाँ से विन वर्ड के द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक ऑप्शन को आप समझेंगे और उसे प्रैक्टिकल जीवन में उसका आप उपयोग करेंगे तो आपको इसे समझने में और करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।